ओ बेटे की, ये लोग मेरी तरफ क्यों मारे? अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया ना तो प्लान टाइट है, प्रेस हो जाएगा। मिसेस खान। मिसेस खान, ये तो बेहोश हो गई। मिसेस खान, क्या हुआ? ओ, गोवा का वेदर इन्हें सूट नहीं कर रहा होगा, तो मैं आपको इनके होटल छोड़ के आता हूँ। चलिए, आप चल पाएंगे? कौन है ये बेगम खान और शिवाय की हेल्प क्यों कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। ध्यान से आने का, बेकार में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। शिवाय, मुझे पता है, एक तो ना आप ओबेरॉय से घबराए बनना बंद कर दीजिए। ये जो दुबई डील का आपने दाना फेंका है ना, उसे चुगने वो दुश्मन जरूर आएगा। वो बेगम खान के पीछे, इसका मतलब तुम्हारे ही पीछे, इसलिए कह रहा हूँ केयरफुल रहना। ओके शिवाय। हाँ, मुझे सुनिए, आप अंदर जाइए, मैं आपको फोन करती हूँ। बैठिए आप। शिवाय, वहां सब कुछ ठीक है? हाँ, तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? एक मिनट, नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं है। शिवाय एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक कार तो फॉलो कर रही है। लेकिन उसने ना मास्क पहना हुआ है शिवाय। ओके देन, मैं आ रहा हूं अनिका। हाँ आप आइए। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। आज तो तू क्या, आज तेरा हम सच पता लगा कर ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बेगम जान को शिवाय की हेल्प करने नहीं दूंगा। सो अनिका वाज राइट, हमारा दुश्मन उसका पीछा जरूर करेगा। फाइनली आज पता चल ही जाएगा वो कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। बस अनिका बेकार में अपने आप को किसी मुसीबत में ना डाल ले। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। भैया क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? आगे रास्ता बंद है। ये बोर्ड पहले तो यहाँ नहीं था, जब मैंने और शिवाय ने इस रास्ते पे आने का प्लान बनाया था, फिर अचानक से बोर्ड कहाँ से आ गया? टायर को भी अभी बर्स्ट होना था।
चिंता मत करो। हो जाए अनिका बोलना मत, वरना इस आदमी को पता चल जाएगा कि तू कोई बेगम खान नहीं है बल्कि शिवाय की बीवी है। शिवाय पक्का यहाँ पहुंचते ही होंगे, तब तक तू इस आदमी को उलझा के रख। अनिका का फोन यहीं कहीं बज रहा है। अनिका किसी मुसीबत में ना हो। बेगम जुबैदा खान फ्रॉम दुबई। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और शिवाय की मदद क्यों कर रही हो, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, तुम ये डील शिवाय के साथ नहीं करोगी, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो कल के अखबार में तुम्हारी डील की नहीं, तुम्हारी मौत की खबर होगी, समझी? अनिका की चुप होना हो, अनिका यहीं कहीं आसपास है। कोई तो साइन दो मुझे। शिवाय को आवाज दी तो इस आदमी को पता चल जाएगा शिवाय यहाँ है और मैं उनकी बीवी हूँ, और ये भाग गया तो हमें इसकी असलियत के बारे में पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल मेरा चुप रहना ही सही है।
शिवाय आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आइए। मरने से पहले एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो बेगम खान, ताकि मारने वाले को मरने वाले का चेहरा याद रहे। एक मिनट, मरने वाले को भी यह अधिकार है कि वो ये जाने कि मारने वाला कौन है। Introduce myself. मैं हूं डॉक्टर वीर प्रताप चौहान। शिवाय का वो दोस्त जो उसकी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। और जब कहानी मैं लिख रहा हूं तो कौन सा किरदार कब मरेगा यह भी मैं तय करूंगा। आज तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आने का तुम रुको। नहीं शिवाय प्लीज, आप खतरा मत मोल लीजिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो शिवाय नहीं प्लीज। शिवाय शिवाय आप क्यों जिद कर रहे हैं? प्लीज आप जाइए, अपनी जान बचाइए ना शिवाय। मैं अपनी जान को ही बचा रहा हूँ आने को। शिवाय आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं हम। शिवाय वो बात कभी नहीं आएगा, आप प्लीज जाइए ना। मैं नहीं आने का, मुझे सोचने दो क्या करना है। पर आप सब जगह है, आप इतने जिद्दी क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। शट अप। कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तुम दिखाइए, आप ठीक हैं? तुम ठीक हो? मेरी बात नहीं सुनते हैं आप, मैं तभी कह रही थी ना आपको। ओके, अनिका ज़्यादा लगी तुम्हें तो मैं ना। मैंने कहा था ना उसमें खतरा है, मैंने कहा था तुमसे। और मैंने भी आपसे कहा था कि आपके होते हैं मुझे कोई खतरा नहीं है। अनिका, क्या जरूरत थी अपनी जान को ऐसे खतरे में डालने की? मेरी बात सुनिए, अगर मैं नहीं डालती तो हमें नहीं पता चलता कि रायता किसने फैलाया है। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारा दुश्मन वो। वीर, एक मिनट, आपको पता चल गया? अरे देखा उसे, सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम कि हमारा दुश्मन वीर होगा।
वो वीर जिसने हमारी जान बचाई, वो वीर जिसे हम अपना दोस्त मानते थे, जिसके साथ हमने अपनी सारी खुशियां सब कुछ शेयर किया, वो वीर मुझे बर्बाद करना चाहता। हमने उसे इस परिवार का हिस्सा समझा, अपनी खुशियों में शामिल किया, इसका मतलब वो अच्छा है, वो दोस्ती सब झूठ था, दिखावा था। शिव सुनिए, अब वो हमारा पप्पू नहीं बना सकता, क्योंकि हमें उसकी असलियत पता चल गई। लेकिन ये नहीं पता चला कि इस सब के पीछे उसका इरादा क्या था। उसे मुझसे क्या दुश्मनी है, गोवा आने से पहले मैं उसे जानता तक नहीं था। What? शिवाय जहां इतना पता चल गया है तो वो भी पता चल ही जाएगा। हम तो वीर प्रताप चौहान को जान गए, लेकिन ये बात वो नहीं जानता है, और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।